हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं लवर्स पैराडाइज जो कि है कासरसई डैम के पास में। एंड ये बहुत ही फेमस है, यूनिक प्लेस है एंड लवर्स के लिए ही स्पेशली बनाई गई है। तो अगर आप पुणे के नियर कोई वन डे ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप कासरसई डैम के साथ साथ ये प्लेस भी कवर कर सकते हो। तो हमने किया है 250 पर पर्सन का पैकेज। एंड अगर आप स्टे का भी सोच रहे हो तो ये रिसोर्ट काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड वेल मेंटेन है एंड आपको डैम का फुल व्यू भी एंजॉय करने मिलेगा। डैम का अलग से मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई। तो चलो हम लवर्स पैराडाइज को एक्सप्लोर करते हैं। एंड यहाँ पे पार्किंग के लिए भी अच्छी खासी प्लेस है, तो आप अपनी कार लेके आराम से वहाँ पे जा सकते हो। तो हम अभी पहुंच गए हैं लवर्स पैराडाइज एंड मैं आपको दिखा रही हूँ एक ब्यूटीफुल व्यू जो कि आपको एंटर करते टाइम ही दिख जाएगा। तो ये है बड़ा सा रेनबो जो उन्होंने रिक्रिएट किया है एंड आप उसके ऊपर जाके पूरा व्यू एक्सप्लोर कर सकते हो जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने एक बड़ा सा मून क्रिएट किया हुआ है जो कि ऊपर एंड नीचे आप कर सकते हो एंड ये बहुत ही मजेदार है। एंड यहाँ पे काफी सारे केव्स है जहाँ पे आप जाके आपको छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी दिखेंगे एंड सेल्फी पॉइंट भी है यहाँ पे। वाटरफॉल के साथ साथ यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी सुंदर ऐसी मूर्ति है विष्णु जी की। हैंगआउट करने के लिए भी ये काफी अच्छी प्लेस है। यहाँ पे फोटोशूट के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे कपल्स के स्टैचूज हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड अगर आप प्री वेडिंग का सोच रहे हो तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेस है। तो चलो अभी हम और एक केव के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पे है सेल्फी पॉइंट। एंड अभी हम जा रहे हैं वृंदावन जो कि इन्होंने रिक्रिएट किया हुआ है यहाँ पे कृष्ण एंड राधा जी की मूर्ति के साथ। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा है ये। यहाँ पे काफी सारे कपल के स्टैचूज हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ।
वन डे पिकनिक के लिए ये प्लेस काफ़ी अच्छी है। तो कासरसाई डैम के साथ साथ आप ये प्लेस भी एक्सप्लोर कर सकते हो और आपका पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे गए थे वीक डे पे, बट आप वीकेंड पे भी जा सकते हो। तो आप ज़रूर विजिट कीजिए और मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।